दोस्तों आज जानेंगे ईपीएस 95 पेंशनर्स की तरफ से बड़ी खबर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी 7000 प्लस डीए बढ़वाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में लगा छोटा सा बेल आइकन बटन उसे जरूर दबाएं। दोस्तों इससे क्या होगा, जो भी आने वाली नई नई वीडियो की जानकारी छोटी या बड़ी आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। ईपीएस 95 पेंशनर्स योजना, लोकसभा में पेंशन बढ़ोतरी को लेकर श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार ने उठाया मुद्दा। श्रम मंत्री श्री संतोष कुमार गंगवार जी लगातार ईपीएस पेंशनधारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि पेंशनर्स की पेंशन में बढ़ोतरी हो जाए ताकि सभी पेंशनर्स अपना गुजर बसर ठीक से कर सके। अशोक राउत एनएसी अध्यक्ष और श्रम मंत्री ने ये दोनों सरकार से सिफारिश कर रहे हैं कि आपकी पेंशन जल्दी बढ़ोतरी हो जाएगी। जी हां दोस्तों, बहुत ही बड़ी खुशखबरी देखने को मिल रही है। जैसे कि दोस्तों दो दिन पहले ही 8 अगस्त 2020 को लोकसभा के प्रश्नोत्तर काल में ईपीएस 95 पेंशन जो इंक्रीज को लेकर श्रम मंत्री से पूछे गए एक सवाल में श्रम मंत्री जी की ओर से ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर जवाब देते हुए साहब कहा है, अभी तक ईपीएस 95 पेंशन इंक्रीज जो कि अभी न्यूनतम 1000 रुपये मिल रही है उसे 2000 रुपये करने पर भी कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि श्रमिक संगठन तथा ईपीएस 95 पेंशन धारकों की मांग ईपीएस 95 न्यूनतम पेंशन को 1000 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 7500 रुपये, कुछ अन्य संगठनों की मांग 9000 तथा 5000 रुपये प्रति महीने करने की है। तो दोस्तों आपको बता दें क्योंकि जो ईपीएस 95 पेंशनर्स को हर हाल में 7500 रुपये पेंशन, इसी के साथ उनकी हर मांगे पूरी होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई इस वीडियो की जानकारी भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और कर्मचारी पेंशन योजना 95 के अंतर्गत आने वाले पेंशन भोगियों को अंतिम राहत के रूप में न्यूनतम 5000 रुपये मासिक पेंशन हो सकता है, ये अंतन 7500 रुपये हो सकता है। इस मामले को आगे बढ़ा रहे हैं संगठन ने, श्रम मंत्रालय से भी मिले आश्वासन के आधार पर यह कहा है। इसी के साथ जय हिंद जय भारत, आपका दिन बहुत बहुत शुभ रहे।